नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस अस्सी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपके लिए रेलवे क्रेश कोर्स में मैथ का पार्ट नंबर 03 आप लोगों के लिए हल कराएंगे। और दोस्तों जितने भी प्रश्नों को मैं हल कराता हूँ आपके सारे प्रीवियस पेपर में पूछे हुए प्रश्न रहते हैं और दोस्तों आगामी आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहते हैं। और दोस्तों हम आपको सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। या दोस्तों आप लोग रीजनिंग और मैथ का दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस पेपर के, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए आज के हम अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 5000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों ये आपका इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका RRB 2003, 2006, 2007 में पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में आपका क्वेश्चन है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जब भी दिखे तो आप हमेशा दोस्तों इसमें फार्मूला मत लिखे, क्योंकि एग्जाम में कुछ लोग लिखते हैं आपका दोस्तों, जैसे मैं बताया SI बराबर क्या हो जाएगा PR आपका दोस्तों टी अपान में 100। मानता हूँ ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय गुणे सौ, लेकिन दोस्तों आप वहां मत लिखिए। अगर इतना चीजें लिखेंगे तो आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। आप अपने दिमाग में कुछ चीजें करिए, हमसे साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन कितना है दोस्तों आपका 5000 दिया गया है, हमारा दर कितना दिया गया 5 दिया गया है, वर्ष कितना है दोस्तों आपका 5 है, गुणे 100 करना, बस सीधे से लगा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 हो गया, ये आपका 50 गुणे 25 करेंगे कितना है 25 पंचे 125, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए दोस्तों आप कभी भी प्रश्नों को आप अपने मेथड से हल करिए, लेकिन आप उसमें टाइम बचत की जरूर देखिए। अब इसमें फार्मूला कुछ लोग लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखना आप लोगों को, दिमाग में जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि दोस्तों आपके जो है CBT एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका जो है ट्रेन से संबंधित है, रेलगाड़ी से स्पीड से दोस्तों संबंधित है। देखिए दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आते हैं औसत चाल, देखिए दोस्तों ये औसत चाल का प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पहले समझे, क्योंकि औसत चाल में कुछ लोग गलतियां क्यों करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं 2AB/A+B, लेकिन दोस्तों कब लगता है फार्मूला ये भी तो पता होनी चाहिए, जब आपकी दूरी सेम होनी चाहिए तब लगता है सब ये सब चीजें चाल सेम। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का, अलग अलग दिया गया है दूरी, देखिए 21 मीटर दिया गया है 15 मीटर, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। अभी कुछ लोग औसत चाल में ऐसे इसको लगाने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। देखिए कैसे लगेगा ये आपका, एक वक्त 4 सेकंड में 21 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मिनट की यात्रा करती है, तो वक्त की औसत चाल। देखिए औसत चाल पूछा हमको क्या करना है, सिंपल तरीका आपका जो लिखना है टोटल क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस है टोटल दूरी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा नीचे टोटल आपका क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, टोटल आपका टाइम हो जाएगा। तो देखिए हम ये बता रहे हैं आप लोग ध्यान समझिए, इसको आप लोग पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से लगाइएगा एग्जाम में। देखिए टोटल दूरी कितना हो गया, देखिए हमारा 21 मीटर है और आपका 15 मीटर है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 और 15 जोड़ेंगे कितना 5 1 6 2 3 कितना हो जाएगा 36, और आपका समय कितना है 4 सेकंड और 2 सेकंड जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, इसको काटेंगे 6 4 36 आपका क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकंड, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा समय में मत लगाइए, कम से कम समय में इसको हल करने की कोशिश करिए, इससे आप लोगों के टाइम की बचत होगी और आगामी जितने भी आने वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको भी आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है। और दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ एडवांस मैथ की मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप लोगों के लिए वीडियो कम से कम 30-40 वीडियो अपलोडेड है, और दोस्तों जिनको हमने जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे प्रश्नों को कराया, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले आप एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया 2:3:7 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। देखिए हमारा जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखिए हमारा क्या, देखिए 2x है और आपका क्या दिया गया 3x है और आपका 7x है। देखिए x मानिए a मानिए, रेशियो में आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए अगर नहीं मानने की जरूरत है ये सब मत करिए, आप इसको टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा 7 3 10 10 2 12, मतलब आपका जो 12 है ये किसके बराबर है 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमारा एक बराबर किसके हो जाएगा 180 अंश बटे में 12, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, आप इसको काटिए 3 6 18, 3 4 12, इसको काटेंगे 4, आपको काटेंगे 60 को 15, 15 6 60, मतलब आपका कितना आ गया 15 आ गया एक कोण का मान। तो हमसे क्या पूछा गया है आपका सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है 7 है, तो 15 को गुणे 7 करेंगे तो आप करेंगे 7 गुणे 15
15 सत्य 105, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 105 अंश का होगा। सबसे बड़ा कोण पूछा, अगर सबसे छोटा पूछता तो 2 में गुणा करते, सबसे आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पूछता तो आपका 3 से गुणा करते, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है 7 से गुणा किए। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप लोग वहां भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और दोस्तों जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता, हम आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। दोस्तों आप लोग की रेगुलर क्लासे होंगी और रेगुलर प्रैक्टिस भी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से सारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।